हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आंवला कैंडी की रेसिपी। तो दोस्तों, 5-6 दिन में या फिर हफ्तों में बनने वाली आंवला कैंडी को आज मैं मिनटों में बनाकर तैयार करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए आंवला कैंडी बनाना शुरू करते हैं। तो आंवला कैंडी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिया मैंने 1/2 किलो आंवला। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के आंवला लिए हैं, ये ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। तो एकदम ऐसे आंवला लेने हैं क्लीन, जिनके ऊपर दाग ना लगा हो, जैसे इस तरह। यहाँ पे मैंने आंवला 1/2 किलो ले लिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे एक दूसरे बर्तन में मैंने पानी को उबाल लिया है। यहाँ पे मैंने लगभग 4 से 5 कप पानी को उबाल लिया है। अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं आंवला। तो सारे के सारे आंवलों को मैं इसमें डाल दूंगा। तो आंवलों को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ, यानी चला लेता हूँ। तो अब इसको मैं बॉईल करूँगा लगभग 8 से 9 मिनट के लिए। तो 8 से 9 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आंवला है जो मतलब इसकी एक एक स्लाइस है आंवला की, वो अलग हो जाएंगी। तो तब तक हमें इसे बॉईल करना है। तो इसको मैंने लगभग 8 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, अब मैं आपको एक आंवला दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आंवला इस तरह अलग हो जाएगा, यानी कि इसकी एक एक स्लाइस है वो अलग हो जाएगी। तो बस हमारे आंवला एकदम बॉयल होकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें गैस के फ्लेम को कर देना है बंद। अब इस आंवला को मैं छान लूँगा। तो मैंने एक नीचे एक बर्तन लिया है दूसरा, उसके ऊपर लग दिया एक जाली। तो इसके अंदर मैं आंवला को छान लूँगा और इसका पानी है वो फेंक दूँगा। तो आंवलों को मैंने छान लिया है, इसका जो पानी है वो निकाल दिया है, उस पानी को मैं फेंक दूँगा। तो अब मैं यहाँ पर एक आंवला लूँगा और इस तरह मैं इसको प्रेस करूँगा। तो गरम गरम नहीं, हमें ये प्रोसेस करना है। तो आंवलों को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है, उसको आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इसकी गुठलियाँ है, यानी इसका बीज है वो निकाल दिया है। तो इस तरह हमें आंवले की सारी स्लाइसेस को अलग कर लेना है। तो ये गरम है, तो आप थोड़ा सावधानी से करें। अगर आपको ज़्यादा गर्म लग रहा है तो आप इसको आंवलों को एक बार धो भी सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारे आंवला के स्लाइस को अलग कर लिया है। तो दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो दोस्तों, यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है आंवला कैंडी बनाने का सेम ही होता है। तो अब मैं आपको एक डिफरेंट प्रोसेस बनाऊंगा, यानी इंस्टेंट आंवला कैंडी बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं एक बर्तन में डालूंगा लगभग 1.5 कप चीनी और इसमें डालूंगा मैं 1.5 कप ही पानी, यानी जितना चीनी और उतना पानी। तो अब इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगा, यानी चला लूँगा। तो अब इस चीनी को हमें बॉईल करना है, चीनी और पानी को अच्छे से मिक्स होने तक हमें बॉईल करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी चीनी और पानी में अच्छे से घुल चुकी है, इसमें एक उबाल आ चुका है। तो अब इसके अंदर डाल दूंगा मैं आंवला। तो सारे आंवलों को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं एक बार चम्मच से अच्छे से चला लूँगा, यानी इसे ऊपर नीचे कर दूंगा। तो इसको मैंने अच्छे से चला लिया है। तो अब इस आंवला को हमें बॉईल करना है लगभग 25 मिनट के लिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें उबाल तो आ चुका है। तो बस हमें इसी तरह हमें 25 मिनट के लिए लगभग उबालना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं लगभग 25 मिनट हो चुके हैं इसको उबालते उबालते, और आंवला में हमारे जो है वो यानी शुगर सिरप है वो चला जा चुका है, यानी अंदर आंवले के अंदर शुगर सिरप है वो चल गया है। तो हमारा आंवला है वो अंदर से भी मीठा हो चुका है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब गैस की फ्लेम को हमें कर देना है बंद। अब यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, उसके ऊपर रख दिया इस तरह छलनी, और इस छलनी की सहायता से हम आंवला कैंडी को यानी छान लेंगे, और इसका एक्स्ट्रा जो शुगर सिरप है वो उसको हमें निकाल देना है। तो दोस्तों, सारे आंवला कैंडी को मैंने इस तरह छान लिया है। तो दोस्तों, अब इसके ऊपर डालूंगा मैं 1 गिलास पानी, और इस पानी की सहायता से मैं इसको एक बार ऊपर नीचे करके वॉश कर लूँगा, ताकि इसकी चिकनाहट मतलब इसकी चिपचिपाहट ना रहे। और अब इसको मैं डाल दूंगा एक बाउल में, और इसमें डाल दूंगा मैं 1 गिलास पानी। तो इस ये प्रोसेस करने से क्या होगा कि इसकी ऊपर की जो चिपचिपी चाशनी है या फिर शुगर सिरप है वो हट जाएगा और वो हाथों में नहीं चिपकेगा। दोस्तों, को अब इस पानी को मैं छान लूँगा, यानी और आंवला कैंडी को छान लूँगा। दोस्तों, आंवला कैंडी को मैंने छान लिया, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकाल दिया है।
तो अब यहाँ पे मैं एक कपड़ा बिछाऊंगा प्लेटफॉर्म पर। तो एक किचन टावल है, इसको मैंने इस तरह बिछा दिया है। अब इसके ऊपर डाल दूंगा मैं आंवला कैंडी। और इस कपड़े से मैं इस आंवला कैंडी को अच्छे से पोंछ लूंगा एकदम हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो हमारी आंवला कैंडी है वो टूट जाएंगी। तो दोस्तों इन आंवला कैंडी को सुखाने के लिए मैं आपको दो इंस्टेंट तरीके बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों आंवला कैंडी को मैंने अच्छे से पूछ लिया है। तो दोस्तों अब प्रोसेस आता है इसको सुखाने का। तो इसको सुखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिया है मैंने एक बेकिंग ट्रे, और बेकिंग ट्रे पर मैं इस तरह आंवला कैंडी को रख दूंगा। दोस्तों ये इंस्टेंट प्रोसेस है आंवला कैंडी को सुखाने के लिए। तो दोस्तों ये है हमारा पहला प्रोसेस आंवला कैंडी को सुखाने के लिए, इसको हम बेक करेंगे। तो आंवला कैंडी को पहले हमें अच्छे से फैला लेना है बेकिंग ट्रे पर। तो दोस्तों अब इसको हम बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 320 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 15 मिनट के लिए। तो हमारे यहाँ आंवला बेक हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने थोड़े से आंवला बचा लिए हैं, तो इसको हम दूसरे तरीके से बेक करेंगे यानी इसको सुखाएंगे। तो इस तरह हम प्लेट ले लिए यहाँ पे मैंने, और इसमें मैं आंवला कैंडी को रख दूंगा। तो इस तरह मैंने आंवला कैंडी को प्लेट में फैला लिया है। चलो इसको बेक करते हैं। तो इसको बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई ली है, उस कढ़ाई को मैंने एकदम हाई फ्लेम पर लगभग 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। अब इस कढ़ाई के अंदर रख दूंगा मैं एक जाली स्टैंड, और इसके अंदर रख दूंगा हमारी प्लेट यानी आंवला वाली प्लेट। और इसको हम कवर कर देंगे, और इसको हम लगभग 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह बेक करेंगे कढ़ाई में एकदम हाई फ्लेम पर। तो दोस्तों हमारी ओवन वाली जो आंवला कैंडी है वो एकदम मतलब सूख कर तैयार हो चुकी है। तो ये इंस्टेंट तरीका है सुखाने का। तो दोस्तों इसको हम पहले अच्छे से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसको उठाएंगे। तो दोस्तों हमारी आंवला कैंडी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऊपर से अब बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, एकदम सूख चुकी है। तो दोस्तों हमारी ये जो आंवला कैंडी इंस्टेंट खाने के लिए तैयार है। तब इसको मैं एक बार इकट्ठा कर लेता हूँ बीच में। तो सारी आंवला कैंडी को मैंने अच्छे से इकट्ठा कर लिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी आंवला कैंडी बनकर तैयार हुई है। तो इनको मैं ट्रांसफर कर लूंगा किसी प्लेट में। तो दोस्तों इसको मैंने प्लेट में ट्रांसफर कर लिया। आप देख सकते हैं हमारी आंवला कैंडी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है आपस में, और हाथों में भी नहीं चिपक रही है। तो दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं हमारी कढ़ाई वाली आंवला कैंडी। तो ये इसको लगभग हो गए हैं 25 मिनट। तो 25 मिनट के लिए हमने इसको बेक किया था हाई फ्लेम पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है ऊपर से। तो दोस्तों प्लेट को हम बाहर निकाल लेंगे, उस प्लेट को हमें कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है लगभग 10-12 मिनट के लिए। तो ये कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है। तब इस आंवला कैंडी को मैं निकाल लूँगा, एक प्लेट से इसमें हल्की सी चिपचिपी है, तो इसको मैं निकाल लूँगा, इकट्ठा कर लूँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई वाली आंवला कैंडी भी बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों अब मैं एक बाउल में डाल दूंगा थोड़ी सी आंवला कैंडी, और थोड़ी आंवला कैंडी को मैंने बचा लिया है क्योंकि इन आंवला कैंडी को हम फिलहाल स्टोर नहीं कर सकते। इनको स्टोर करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊँगा। तो यहाँ पर हमें इंस्टेंट आंवला कैंडी खानी है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बाउल पे डाल दिया मैंने आंवला कैंडी को, और इसमें डाल दिया मैंने 4 से 5 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी और थोड़ा सा नमक, और इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक प्लेट को इसे ढक कर इसको ऊपर नीचे कर लूँगा ताकि हमारी आंवला कैंडी अच्छे से कोट हो जाए चारों तरफ से। दोस्तों हमारी आंवला कैंडी बनकर तैयार हो चुकी है एकदम परफेक्टली। तो इंस्टेंट खाने के लिए तैयार है, लेकिन इनको हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम इनको स्टोर करेंगे तो ये पानी छोड़ देंगी यानी ये चिपचिपी हो जाएंगी। तो इसको स्टोर करने के लिए मैं आपको अभी तरीका बताने वाला हूँ। तो इसको हमने छान लिया है, तो हमारी जो आंवला कैंडी है इसकी एक्स्ट्रा चीज़ है वो निकल चुकी है। इसको मैंने फिर से बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी आंवला कैंडी खाने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो दोस्तों इसको स्टोर करने के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी आंवला कैंडी को बचा लिया था, और ये मैं एक दिन के बाद की शूटिंग दिखा रहा हूँ। तो इसको मैंने एक दिन के लिए कम्प्लीटली धूप में
सुखा दिया था, तो सूखने के बाद आप देख सकते हैं ये किस तरह की हो गई है। दोस्तों अब ये स्टोर करने के लिए एकदम रेडी है, तो आप इसको चीनी में कोट कीजिए और स्टोर कर लीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।